बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरे पास ये ऑर्डर आया है, ईरानी चादर के साथ सिला हुआ नकाब, ना नकाब उसके साथ ही सी कर मैंने देना है ऐसे जोड़कर। और ये जो है एक बलोची स्टाइल में चादर और अबाया, इसके साथ है स्टॉलर और नकाब अलग से, यानी कि साथ में सिला हुआ नहीं है। तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये बलोची स्टाइल में चादर है, ये इस तरह, ये भी साथ ही ऑर्डर में जाएगी। ये चारों तरफ इसका बॉर्डर है और सेंटर में ये देखें, चारों तरफ इसका इस तरह बॉर्डर बना हुआ है और सेंटर में ये बूटी डली हुई है, ये इसी ऑर्डर में ही जाएगी साथ में। इसके अलावा जो है ये अबाया है, देखिए इस तरह, ये तकरीबन ऐसे टीन एज बच्ची के लिए तैयार करवाया है उन्होंने, तरह बाजू के आगे जो है इलास्टिक गली हुई है और राउंड गले में है, थोड़ा सा इसमें ना गले में आधा इंच का गैप रखवा कर इसको हल्की सी डिज़ाइनिंग दी गई है इस तरह। और ये ऐसी फुल फ्रिल में खुला, अच्छा सेंटर में इसके बटन लगे हुए हैं, टिच बटन लगे हुए हैं, ब्लैक कलर भी मैंने लगाए हैं। और ये नीचे पट्टी बनाकर और अंदर की तरफ एक पट्टी देकर, तो गुम पट्टी के साथ इसके टिच बटन है। और फ्रंट में ये सेंटर में बहुत बड़ी फ्रिल है इसकी, और इसके साथ जो है ये नकाब है इस तरह बांधने के लिए, और साथ में ये स्टॉलर है। ये देखें, कोरियन शिफॉन में ये स्टॉलर है, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट कपड़े में ये बनाया गया है। के अलावा जो है ये मेरे पास ईरानी चादर है, जो मैंने आपसे कहा था कि माथा पट्टी के साथ और साथ में ही उसका नकाब सिलाई किया हुआ है ना, ये इसकी माथा पट्टी है जो इसके साथ ही मैंने सी दी है इस तरह पीछे से बांधने के लिए। और इसके साथ जो है ये नकाब लग गया है यहाँ पे, साथ ही जोड़ दिया है ये इस तरह, ये नकाब इसके साथ ही ऐसे जोड़ दिया गया है। और ये देखें, फुल फ्रिल में राउंड में ये चादर है, ईरानी स्टाइल में जॉर्जेट स्टफ में है ये चादर। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऑर्डर देना है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।